लुका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, उसमें 20 से लेकर 37 तक वचनों को पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। जब फरिसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से खंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक काट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियों एक साथ चक्की फिस्ती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। ये सुन उन्होंने उसे पूछा, ये प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोत है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों, लोग आज का ये वचनों में से हम आज ये टॉपिक में सीखना चाहते हैं, कैसे हम अपने आप को बचाना चाहिए। आखिरी दिनों में हम आ गए हैं, आखिरी दिनों का काफ़ी सारा चिन्ह हमारा जमानों में ही पूरा होते हुए हम देख पा रहे हैं। जैसे इन दिनों में जो महामारी का बात है, लोगों की तकलीफ है, और काफ़ी सारे युद्ध का भी खबर हमें सुनने में आ रहा है, काफ़ी सारे प्लानिंग पीछे से चुपके से हो रहा है। दुनिया में दुष्ट लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। प्रभु के जनता, जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, जो प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं, सच्चाई दिल से रहना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी संकट और परेशान निंदा सहन करना पड़ रहा है।
काफ़ी समस्याओं के बीच में हम लोग गुजर रहे हैं। जो भी दुनिया में हो रहा है उसमें प्रभु के बच्चे लोग भी उसमें तकलीफ उठाते हैं। हम ऐसे परिस्थिति में हम ये समझना चाहिए, हमारा जीवन केवल इस दुनिया के लिए नहीं है, हमारा जीवन अनंत काल के लिए हम प्रभु का उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो परमेश्वर का राज्य हमारा अंदर में है, यही चीज़ यीशु मसीह चले लोगों को सिखाते थे। यहाँ है, वहाँ है, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होगी, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में रहेगा। तो जो भी बाहर की तरफ से देखने वाले लोग हैं, आंख बाहर की तरफ से परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले लोग आखिरकार क्या करेंगे? शैतान के अधीन में ओढ़ हो जाएंगे। शैतान बाहर की काफ़ी सारे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, लोगों को भरमाएगा, वही भगवान करके लोगों को उन्हें प्रमाणित करने के लिए कोशिश करेगा। आखिरी दिनों का चिन्ह आज भी चालू हो गया है, काफ़ी सारे बात मेरा सामने हमारे दिनों में ही हो रहा है। तो यीशु मसीह का उदाहरण है, नूह का उदाहरण है, लूत का उदाहरण है, वैसे उस जमाने में हुए थे वैसे ही आखिरी दिनों में होगा करके यीशु मसीह ने बताया था। तो हम वही चीज़ों को आज हम देख पा रहे हैं, नूह के ज़माने में जो चीज़ हुआ था आज भी होते हुए हम देख रहे हैं, और लूत के ज़माने में जो हुआ था वो भी होते हुए हम देख रहे हैं। जितना दिन बीतते जाता है उतना ही लोगों के पाप भी बढ़ते जाता है, उनके एक्टिविटीज़ भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। नूह के बारे में लिख रहे हैं, उसके ज़माने में लोग खाते पीते थे, शादी विवाह करते थे, इतना ही लिखा है। जब लूत के बारे में लिखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं वो लोग खाते पीते थे और शादी विवाह करते थे और लेन देन करते थे, घर बनाते थे, पेड़ पौधा लगाते थे, मतलब लोगों का एक्टिविटीज़ जो है बाढ़ के बाद नूह के ज़माने में देख रहे हैं, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में लोग अपने आप को व्यस्त रख देते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ के विषय में हम समझना चाहिए, खाना पीना पाप नहीं है, नहीं तो घर बनाना और पौधा लगाना और शादी विवाह करना ये सब पाप नहीं है। लेकिन ये यीशु मसीह का बताने का अर्थ ये है कि ऐसे ही बातों के लिए लोग जिएंगे, अनंत काल का एक भविष्य का विषय में वो लोग सोचेंगे नहीं, आज मेरे लिए मिलना चाहिए, आज मुझे शादी हो जाना चाहिए, भले वो आदमी कैसे भी हो, दूसरे का भी पति हो, कैसे भी हो करके लोग ऐसे ही शादी को ही महत्वपूर्ण समझ लेंगे कि बाकी दूसरी चीज़ों को, दूसरे को घायल हो रहा, दूसरे की प्रॉब्लम हो रही कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये खाना मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए करके स्वार्थीपन में आखिरी दिनों में लोग रहते हैं। तो यही बातों को यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, अंतिम दिनों में नूह के ज़माने जैसे बात होगी। नूह के ज़माने के बारे में उत्पत्ति का किताब में हम पढ़ पा रहे हैं कैसे जो फॉलन एंजल्स, जो गिरे हुए स्वर्गीय दूतों ने क्या किया मनुष्य लोगों के बीच में, मतलब जो स्त्री लोगों के बीच में आकर के राक्षस लोगों को पैदा किया करके, पर इसके कारण नूह का बाढ़ को परमेश्वर भेजा है वैसे लोगों को नाश करने के लिए, क्योंकि उनके संख्या बढ़ते चले जाएंगे, वो लोग पूरा पृथ्वी को भर देंगे, फिर मनुष्य लोग जी नहीं पाएंगे और ऐसे ऐसे मनुष्य का जाति अगर खराब हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे, मतलब मिलावट वाला हो जाएंगे, उन लोगों के लिए उद्धार पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए शैतान चाहता है लोगों को हाइब्रिड करा लें, दूसरे जाति बना लें, ताकि जो उद्धार मिल रहा है यीशु मसीह के द्वारा उसको नहीं पाने के लिए उन लोगों को नलायक बना दें। तो इन दिनों में नूह के ज़माने की ये जो बातें हैं वापस पुनर्जीवित होते हुए हम देख रहे हैं, भले उन ज़माने में नूह के ज़माने में कैसे हुआ है, आज वही चीज़ दूसरे ढंग से शैतान साइंटिस्ट के द्वारा दूसरे माध्यम से वो चीज़ों को करने के लिए कोशिश कर रहा है, लोगों के DNA को बदलने के लिए। ऐसे ऐसे भी हम सुनने में आया कि हमको कोई वैक्सीन के द्वारा DNA में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे वैक्सीन से प्रभु हमें बचा लें, हमारा बच्चे लोगों को बचा लें, कि जो भलाई का बहाना बोल करके दुनिया में लोग शैतान को मान लेते हैं, उनकी सलाह ले लेते हैं, भलाई सोच करके भलाई समझ रहे हैं, लेकिन आखिर में उनके अंदर के विचार में बुराई बात रहता है। कभी कभी ऐसे ही एक बहाना से ही पूरे संसार को अपने कब्जा में लेने के लिए मसीह विरोधी भी कोशिश कराएगा।
उसको ऐसा एक मुद्दा चाहिए जिसको लोगों के सामने अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर ही वो अपना जो ईविल प्लान, अपना दुष्ट योजना को छुपा के रखेगा। ऐसे अच्छा वेश पहना कर लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करेगा, बोलेगा मैं सबके लिए ये अच्छा बीमारी फ्री कर देता हूँ, आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा ऐसा करके आखिरी दिनों में शैतान लोगों के सामने अपने आप को प्रकट कराएगा। तो अभी शायद वो आ भी गए होंगे, कहीं चुपके से रहते होंगे, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं उसके लिए जो स्टेज है उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो धीरे धीरे तैयारी हो रहा है। कितने सारे जो साइंटिफिक कितनी इन्वेंशंस है जो लोगों के हाथों में भी चिप लगाने की बातें कर रहे हैं, और वो जो चिप बनाने वाले वो कंपनियों को रिसर्च के अनुसार कहते थे कि मनुष्य का माथे पर नहीं तो उनके दाहिने हाथ पर वो लगाना उचित है, वही सही काम करेगा करके वो लोगों ने फाइंड आउट किया है। ये चीज़ बाइबल में पहले से लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में इंसान के माथे पर नहीं तो उनके दाहिने हाथ पर लगाया जाएगा, जो मसीह विरोधी का जो भी चिन्ह है उसके बारे में बाइबल बताती है। तो लोग अपने आप से ऐसे बातों के लिए समर्पण दे देंगे। अभी भी ये जो चिप के विषय में हमको सुनने में आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से कि ऐसे ऐसे जो चिप है जिसमें आपका सारे जो डिटेल है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके आईडी कार्ड होंगे, एटीएम होंगे, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आपका जो भी पैन कार्ड हो, आपका वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, आपका जो पासबुक हो, आपका जो आरसी बुक हो, सब चीज़ है उसी में आ जाएगा, आपका सारे डिटेल आ जाएगा। कहीं पर भी कंपनी में गेट पास के लिए आप कुछ नहीं करना है, केवल हाथों को लेकर स्वाइप, आप स्वाइप करोगे लेट खुल जाएगा, एटीएम में भी ऐसे होंगी। तो ऐसे ऐसे लोग इसके बारे में सोचेंगे, बहुत सुविधा वाला मामला है। ऐसा हमारा सब इन्फॉर्मेशन है कि छोटा से एक बोलते चावल का साइज में है, छोटा से है, उसको शरीर में इंजेक्ट कर देंगे दाहिना हाथ में, नहीं तो माथे में वो पड़ा पड़ा रहेगा, वहाँ से वो लोग उसको सारे डिटेल मिल जाएगा, सारे कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा लोग भलाई जैसे सोच रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसी जो बात है अभी तक ये चीज़ पूर्ण रीति से कंपल्शन में नहीं आया है। ज़रूर आप हम देख रहे हैं अभी तो ये चीज़ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार ये चीज़ एक ज़माने में कंपल्शन हो जाएंगे। उसके बगैर हम कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, कोई बेच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति को दुनिया तैयार होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये सारे चीज़ है, हम आखिरी दिनों में आ गए हैं। तो जल्दी से यीशु मसीह का जो आगमन है, रहस्य आगमन पहले होने वाले हैं, उसके बाद जो खुला आगमन होने वाला है 7 साल के बाद। तो 7 साल में जो कठिन समय में है, उपद्रव का काल है, महाउपद्रव का काल है, उसमें शैतान लोगों को ऐसे ऐसे चिन्ह लगाने के लिए, मसीह विरोधी का चिन्ह लगाया जाएगा, जो लगाने मना करेगा वो लोगों के लिए सामान नहीं खरीद पाएंगे, कुछ बेच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे समय में दुनिया आने वाला है, लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे यीशु जी आने वाले हैं कलीसिया को लेने के लिए। तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को बचाना है। वो यीशु मसीह का कहना है, जो अपने आप को बचाना चाहेगा अपने आप को खोएगा। मतलब लोग बचाना चाहते हैं, मतलब लोग टेम्पररी अपने शरीर की अभिलाष के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, थोड़ा समय के लिए चीज़ों को खोना नहीं चाहते हैं, लोगों के सामने निंदा नहीं करना, सहन नहीं करना चाहते हैं, लोगों की गाली सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता है, लोग हमको बुरा मानेंगे, पागल समझेंगे, ऐसे ऐसे लोग सोचने वाले लोग अपना अनंत काल को खो बैठे हैं, अनंत काल को उद्धार को नहीं पाते हैं वो लोग, वो प्रभु के लिए कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मरकुस का 8 अध्याय में यीशु मसीह बोलते थे 35 वचन में, 36 वचन में देखो, वहाँ पर लिख रहे अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे अपने आप को खोए तो क्या लाभ है। लोग जगत को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन केवल इसी के लिए नहीं जीना है, अनंत काल को हम बचाना है, अनंत काल के जीवन उद्धार को पाना है। मरकुस 8:35 में बता रहे हैं, जो अपने जान बचाना चाहते उसको खोएगा, मेरे निमित्त सुसमाचार के कारण अपना जान खोएगा उसको अनंत काल के लिए बचा लेगा। अनंत काल के लिए आज बचाना है मेरे भाई बहन बच्चे लोग, जो भी दुनिया में हो रहा है इसको देखते हुए आंख बंद करते हुए ना रहें,
कोई भी होने तो मुझे क्या फर्क है, ऐसा नहीं सोचना है। मुझे ऐसा वो मुझे आएगा नहीं, मुझे नहीं होगा। सब लोगों के एक प्रॉब्लम है, कभी भी दूसरे के जीवन में कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं लोग सोचते नहीं भाई मेरे भी ये चीज़ हो सकता है, ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो सोचेंगे मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो बच जाऊंगा। ऐसा लोग अपने बारे में बेफिक्र रहते हैं, सोचते नहीं। ऐसे ऐसी चीज़ों में सावधान रहना है, मसीह विरोधी की बहकाने में नहीं आना है। बोलेगा इधर है उधर है, फिजिकल चीज से अट्रैक्ट करेगा, पर्टिकुलर प्लेस। कुछ लोग चर्च मतलब पर्टिकुलर प्लेस ही सोचते हैं, लोगों को उस प्लेस में ही प्रभु मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं। ज़रूर हम चर्च बिल्डिंग में जाना चाहिए, आराधना करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रभु के राज्य हमारा दिल में होना चाहिए। अगर हम दिल में प्रभु के राज्य को रखेंगे, ज़रूर हम चर्च भी जाएंगे, सही मकसद से जाएंगे, सही विचार से आराधना करेंगे, सही विचार से जीवन बिताएंगे। लूत के जमाने के लोग देखो बेफिक्र आते थे, और जहाँ पर पुरुष पुरुष के साथ करने वाले शारीरिक संबंध, उसमें वो लोग शूरवीर थे, देख रहे हैं नाश करने के लिए आए स्वर्गीय दूत मनुष्य के रूप पहन कर आए थे, उन लोगों के साथ भी वो लोग गलत संबंध रखने के लिए कोशिश किए थे। सोदोम का पाप यही पाप है, आज भी वो चीज़ काफ़ी दुनिया में बढ़ गया है, फैल गया है, काफ़ी देशों में लीगलाइज हो गए हैं। उस बातों के विरोध में बोलने वालों को दंड दिया जाता है, उनको गुनहगार समझा जाता है, ऐसे बातों के विरोध में बोलने के लिए मना कर देते हैं। जो जो पाप है उसको कंडन नहीं करने के लिए रूल्स आ गया है काफ़ी देशों में, इवन कृषि देशों में भी। तो यही हम समझ सकते, लूत की जमाने वापस आ गए हैं, नूह के जमाने वापस आ गए हैं। मनुष्य को दूसरे जाति बनाने के लिए जो उस समय में शैतान की योजना था, अभी फिर से लागू कर रहा है शैतान। तो ऐसा करके इंसान को उद्धार का नालायक बनाने के लिए, उद्धार के अयोग्य बनाएंगे, दूसरे जाति हो जाएंगे उनके लिए उद्धार नहीं मिलेगा करके शैतान ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो लेकिन परमेश्वर बचाने वाले हैं, आपको बचाएंगे आने वाले महामारी से, आने वाले काफ़ी सारे संकटों से परमेश्वर बचाएगा। उसके राह से आगमन में कलीसिया ले लिया जाएगा। दूसरा पत्रस 2:8-9 में लूत के बारे में पत्रस बता रहे हैं, जब अधर्मी लोगों के बीच में रहते हुए उनके कुटिल कामों को देखते हुए उनके दिल में दुख उठाने वाला लूत को प्रभु ने बचाया। और 9वीं आयत में कहते हैं, परमेश्वर जो उनकी भाई मानने वालों को परीक्षा से बचाने के लिए, दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए जानता है, जानता है, परमेश्वर जानता है, सही समय पर करेगा। हम उसको डरने की आवश्यकता नहीं, जो दुष्ट लोग अपना दुष्टता को हिम्मत से कर रहे हैं, खुले हृदय से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर उनको दंड देने के लिए प्रभु जानता है, प्रभु को मालूम है कब पकड़ना है, कब उसको दंड देना है, ज़रूर सही समय पर करेगा। तो मेरे भाई बहन बच्चे लोग, जो भी यहाँ पर हमारे लिए जो दिया गया है, ये सारी चेतावनी को हम देखना है। दुनिया बिगड़ते जा रहा है, दिन बीतते हुए हम 10-15 साल में 20 साल में कितने फर्क हम देख रहे हैं दुनिया में। जो चीज़ उस समय में पाप गिना जाता था, अभी वो चीज़ लोगों के लिए नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है, लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई असर नहीं। लोग ऐसे, लोगों का दिल कठिन होते गया है, सच्चाई मसीह लोगों को देखना भी बहुत कठिन हो गया है। उद्धार के अनुभव पाए हुए लोग हैं, नहीं पाए हुए लोग हैं, ऐसा फर्क नहीं दिखता है। दुनिया के साथ जुड़े हुए कलीसिया को प्रभु मन फिराव के लिए बुलाता है। हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं, ज़रूर हम पैसे कमाना है, ज़रूर हम पौधा लगाना है, ज़रूर हम घर बनाना है, लेकिन उसी के लिए हम जीवन व्यतीत ना करें। स्वर्ग में हमारा नागरिकता है, स्वर्ग में हमारा घर है, यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं, तैयार करके हमें लेके जाने वाला है। उसके लिए हम संपत्ति को इकट्ठा करें, स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करें, पृथ्वी के बातों पर नहीं स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। यही आज का वचन से हम सीख सकते हैं, हम अपने आप को बचाना है तो हम अपने आप को खोना है।
मतलब इस दुनिया के लिए जो जान को खोएगा स्वर्ग के लिए अपने जान को बचा लेगा, अनंत काल तक बचा लेगा। लेकिन थोड़ा दिन के लिए अपने जान को जो बचाना चाहते हैं हमेशा के लिए अपना जान को खोएगा। बार बार यीशु मसीह का यही वचन है, जो अपने आप को नम्र करेगा वही ऊंचे किया जाएगा, वैसे जो अपना जान खोएगा वही बचाएगा। यीशु मसीह को भी हम देख रहे हैं, अपने आप को बीज के समान समर्पण कर दिया था, मर कर वापस आ गया है। वो यीशु मसीह यहां पर भी बोल रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा बिजली के समान एक छोर से दूसरे छोर तक चमकने वाला बनकर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे मरना है, मुझे इस पीढ़ी के लोगों से त्यागे हुए और इनके हाथों से मार खाना, इनके हाथों से मर जाना मेरे लिए अनिवार्य है। उसके बाद महिमा में मैं आऊंगा, प्रभु के बच्चे लोगों का महिमा पाने वाले हैं। लेकिन अभी प्रभु के लिए हम दुख उठाने के लिए हमारे लिए सामने दिन है, इस दिनों में हम प्रभु को इनकार ना करें, लूत की पत्नी जैसे पीछे मुड़कर ना देखें, जो पीछे मुड़कर देखा नमक का कम्बा बन गया, उसी के बारे में यीशु मसीह बोलते थे उसके समान मत बनो, उसको याद रखो, 32 वचन में बता रहे हैं। बहुत कठिन दिनों में गुजरने वाले हैं, ये 7 साल जो कल से उठा लिया जाने के बाद 7 साल में बहुत भयंकर दिन होने वाला है दुनिया के लिए। मसीह विरोधी लोगों को कब्जा में ले लेगा, काफ़ी सारे बहाना बोल करके इकोनॉमिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वैक्सीन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ करके सारे संसार को एक ही करेंसी लेकर आएगा, एक ही एकता में लेने के लिए कोशिश करेगा, सबके ऊपर अपना अधिकार जताएगा, धीरे धीरे अपना अधिकार को ले लेगा, उसके बाद लोगों को परेशान करने लगेगा। आखिर में हम देख रहे हैं एक बड़े युद्ध होने वाले इस संसार में, उस युद्ध के लिए भी दुनिया तैयार होते जा रहा है। मर्मा गदौन करके प्रकाशित वाक्य 16:16 में उस शब्द को हम देख सकते हैं, उस जगह पर सारे प्रधान लोगों को, राजा लोगों को, दुष्ट आत्माएं इकट्ठा करने वाले हैं। और आखिरी दिन का युद्ध है जब यीशु जी खुले रीति से प्रकट होंगे, बिजली के समान चमकते हुए घोड़े पर बैठकर आएंगे, उनके बच्चे लोग भी उनके साथ आएंगे। उस समय में इस पृथ्वी पर जैतून पर्वत पर यीशु मसीह उतरने वाले हैं। जकरिया का 14 अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है, जब वो आएंगे उसके विरोध में मसीह विरोधी का बड़ा सेना अर्मागेदोन में युद्ध करने के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह उनके मुंह के तलवार से मार डालेंगे, बड़ी युद्ध होगी। प्रकाशित वाक्य 19 आयत में उस युद्ध के बारे में देख रहे हैं, उस युद्ध में इतने लोग मर जाएंगे कि वहाँ लिख रहे हैं जो लहू का बहाना इतना लहू बहाएगा, घोड़े का मुँह तक इतना लहू का 180 माइल दूर पर इतना ही लहूलुहान हो जाएगा। और लिख रहे हैं सारे जो मांस से खाने के लिए काफ़ी सारे उकाब जो पक्षियां हैं गिद्ध इकट्ठे होंगे, वो यीशु मसीह बोलते थे जहां लोत है वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। कौन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मारा जाएगा उस युद्ध में, जो यहां पर 3 उदाहरण दे रहे थे, 2 लोग बिस्तर में रहेंगे, एक मर जाएंगे, एक बच जाएंगे, और 2 लोग चक्की पीसते होंगे, एक मर जाएंगे एक बच जाएंगे, और 2 लोग कैद में होंगे, एक मर जाएंगे एक बच जाएंगे। कहाँ जाएंगे मरकर कहाँ जाएंगे बैर, 37 वचन में चले लोग पूछ रहे थे, यीशु मसीह बोल रहे थे वो लोग ऐसे मैदान में पड़े रहेंगे, सारे जो लाश पड़ा होगा वहाँ पर पड़े रहेंगे, उनके शरीर को खाने के लिए पक्षियाँ आ घेर लेगा, वही लोगों का हालत है जो ले लिया जाएगा लिखा हुआ है। इसको लेते हुए हम रैप्चर नहीं समझना चाहिए, ले लिया जाएगा मतलब मृत्यु के लिए वो लोग जाएंगे, मरा जाएंगे, बाकी जो रहेंगे बच जाएंगे वही लोग उसके बाद 1000 वर्ष के राज्य में शामिल हो जाएंगे। यीशु मसीह का कहना है, यही हम काफ़ी बाइबल कमेंट्रीज में इसी को हम समझ पा रहे हैं, जैसा तमिल भाषा में कुछ ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी वो थोड़ा दूसरे ढंग से लोगों को समझ दे रहा है, लेकिन सही मीनिंग ये है कि आखिरी दिनों में अर्मागेदोन की युद्ध होंगी, बहुत भयंकर होंगी, उसमें बड़ी संख्या में लोग मारा जाएंगे, और उस समय में
पक्षियों के लिए बड़ी पार्टी हो जाएगी, लोगों के शरीर लाश को खाने के लिए इतनी पक्षियां तैयार हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई बहन, हम लोग ऐसे जमाने के लिए नहीं हैं, हम क्रोध के संतान नहीं हैं, उस दिन हमारे लिए नहीं है, हम ऐसे पड़े रहने वाले हैं नहीं, लेकिन हम बचाने वाले हैं। सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो, उसके नाम को लेने के लिए लज्जित मत होना। बड़े लोग निंदा करेंगे, वो लोग गालियां देंगे, लोग गलत बोलेंगे, उसके बोलने के कारण हम हिम्मत नहीं हारना है। अपनी माता को खड़क बनाओ, अपना मुंह को चकमक चट्टान के समान बना दो, लोगों के कहने से हिलना नहीं है। तो प्रभु जी का आगमन बहुत नज़दीक है, लोग जो पवित्र है और भी पवित्र हो जाएं, जो धर्मी है और भी धर्मी हो जाएं, जो पापी है और भी पापी होते रहेंगे, दुष्ट और भी दुष्टता में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग और भी धर्मी होते रहेंगे। प्रभु का आगमन निकट है, तो हम लोग सावधान रहें, ढीला न रहें, जो भी हो रहा है उसको लेते हुए प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे, हमको तैयार करेंगे। रहस्य आगमन में प्रभु के चले जाएंगे, दुनिया में ये सब चीज़ होगी, उसके बाद 7 साल के बाद हम लोग इस दुनिया को राज्य करने के लिए आने वाले हैं। ये ऐसे एक अच्छा स्वप्न जैसा चीज़ नहीं है, सच्चाई परमेश्वर का सच्चाई वायदा है, वायदा को परमेश्वर पूरा करेंगे। लेकिन हम अपने विश्वास को खोए नहीं, हम अपना अनमोल विश्वास, बहुमूल्य विश्वास है, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, विश्वास के द्वारा हम बच जाएंगे। तो विश्वास के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी अनमोल विश्वास आपने दिया है जिसके द्वारा हम लोग बच जाते हैं, उस विश्वास में स्थिर रहने के लिए मेरे लिए, मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर, अंत तक हम स्थिर रहें, सर उठा कर हम देखें, हमारा उद्धार निकट है, हमेशा लगातार हम प्रार्थना करते हुए रहें, दुनिया वाले जैसे सोते हुए ना रहें, मतवालापन में ना रहें, प्रभु जी जो भी दुनिया की मोह माया में फंसे हुए ना रहें। प्रभु जी आप हमें मदद कर, हर पापों से हमें छुड़ाइए, सब लोग जागृत होकर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सबका जीवन में कार्य कर, हम आपके हाथों में रकम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन।